अबे आगे पीछे चक्कर क्यों मार रहा है? भाई टेंशन में प्रेशर हाई हो ही जाता है ना। एक तो जब आप ऐसे घूरते ना मुझे मेरी फट जाती है। मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है पर बाहर ही नहीं निकलता। पर आज बोलना जरूरी है। मैं एडवांस में माफी मांग रहा हूं क्योंकि अगले 5 मिनट के लिए आप मेरे लिए मिस्टर सिंह नहीं हो, आप मेरे लिए मेरे पोपलू हो, मेरा दोस्त, मेरा भाई, जिसके सामने मैं खुल्लम खुल्ला बात कर सकता हूं। ओए पोपलू, ये मैकेनिक की प्रॉब्लम क्या है? सबको हमारा प्यार दिखता है, उनको नहीं दिखता क्या? अंगद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत महान इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, उसका सब कुछ बड़ा है। वो पेड़ है, मैं पौधा, छोटा सा, फुद्दू सा। पर क्या गारंटी है कि वो काव्या को खुश रखेगा, उसे प्यार देगा? मेरे में लाख बुराई है लेकिन एक गारंटी है, ये फुद्दू काव्या से बहुत प्यार करता है। अगर कल हमारे घर में ना एक ही रोटी बनी हो ना, तो आधी मैं काव्या को दूंगा और आधी बाबा को, पर उसे भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। कोई मिस्टर सिंह की तरह घूरना बनकर मुझे। अगर हर बाप अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट लड़का चुनता ना, तो सिंह सर भी आज कुंवारे घूम रहे होते। पर ये बात उनको कौन समझाएगा कि बंदे परफेक्ट नहीं होते, रिश्ते परफेक्ट होते। और जो काव्या को छेड़ेगा ना पोपलू, वो तो पिटेगा, ये गारंटी है। फिर चाहे सामने 8 लौंडे हो या 80, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मेरे जगह में मिस्टर सिंह होते ना, तो वो भी सेम टू सेम ही करते। उनके सामने उनकी पम्मी को कोई हाथ तो लगा के दिखाए क्यों? तो दिमाग मेरा छोटा है पर दिल बड़ा। मैकेनिक समझ सकता है तो ठीक है, नहीं तो। और भाई पोपलू, अगर किसी ने तुम दोनों को अब छुआ ना, तो इनके अंबाला में मैं सबको गाड़ दूंगा। जय माता दी। धीरे धीरे सब मैच हो जाता है।